आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चुंदा। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके का आम लिया है, ये राजापुरी आम है। इसमें दल ज्यादा होता है और इसके जो बीज होता है बहुत छोटा होता है। तो जब भी हमें चुंदा बनाना हो हमें इसी तरीके का बड़े साइज का आम लेना चाहिए जिसमें दल ज्यादा हो और इसका बीज कम हो, क्योंकि इसके अंदर हमें गूदा निकालना है कद्दूकस करके, तो वो ज्यादा मात्रा में निकलना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और हरा आम है ये। तो इस तरीके से आप पसंद करके ताज़ा आम ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 1 किलो आम लिया है, आपको जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आम को छील लेते हैं इस तरीके से। रमाजी की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस तरीके से इसका छिलका हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें आम को छील लेना है। तो चलिए इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमने कद्दूकस ले लिया है, तो इसे हम इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आम को कस लिया है, आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका बीज कितना छोटा है। तो इसी तरीके से सारे आम को हम छील करके और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो इसके अंदर हमें मेजरमेंट करके चीनी डालना है। तो जितना हमारा ये आम का पल्प है जो मैंने छील करके रखा है, जो मैंने इसे ग्रेट करके रखा है, उतनी ही चीनी होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक बाउल है, इसमें भर करके मैंने शक्कर ले ली है। तो इसे हम पहले एक बर्तन में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसके बराबर ही इसके अंदर ये कद्दूकस किया हुआ आम का पल्प चाहिए। तो इसे एक बर्तन में रख लेंगे और इसके अंदर इसे हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चीनी के बराबर ही है, बिल्कुल सेम मात्रा में। आप कोई भी कटोरी से इसे नाप सकते हैं, कप से नाप सकते हैं, आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसे नाप सकते हैं। जितनी हमें चीनी लेनी है उतना ही हमें कद्दूकस किया हुआ आम का पल्प चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी सी मिठास भी आ जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर और भी चीनी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक मोटे तले का बर्तन चाहिए, थोड़ा बड़ा सा ले लें, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये कद्दूकस किया हुआ आम डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और इस तरीके से इसमें हम डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इससे क्या होगा जो भी आम के अंदर पानी होगा वो निकल आएगा नमक डालने के बाद। तो इसे अच्छे से मिलाते हैं। आप एक बार इस तरीके से चुंदा बनाकर देखिएगा, खाने में मज़ा आ जाएगी, बहुत टेस्टी बनता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आजकल की भाग दौड़ के समय में किसी के पास समय नहीं होता है। ट्रेडिशनल तरीके से तो चुंदा जो है धूप में पका कर बनता है उसकी चाशनी को, लेकिन आजकल किसी को समय नहीं रहता है, तो ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पूरे साल भर के लिए आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और इसमें से पानी छूटना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने शक्कर ली है इसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे। हमें याद रखना है, हमें शक्कर को और आम के गूदे को बराबर लेना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, कुछ देर तक इसे ही मिलाएंगे, करीब 4 से 5 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट तक मैंने इसे चला लिया है और इसमें से कितनी अच्छी सी चाशनी बन गई है। ये पानी छूटने लगा है क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। तो इसी तरीके से पहले हमें इसे कर लेना है, तभी हमें इसे आँच पर चढ़ाना है, नहीं तो पहले अगर इसे हम चढ़ा देंगे तो ये जलने लगेगा और अच्छी तरीके से पकेगा भी नहीं। तो चलिए इसे हम गैस पर चढ़ाते हैं। तो मैंने हांडी को गैस पर चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं इसमें से कितनी चाशनी और भी निकल आई है। इसे बराबर चलाते रहेंगे। आँच को हमने मीडियम स्लो पर रखा है, मीडियम आँच पर भी नहीं रखना है और फुल फ्लेम पर भी हमें इसे नहीं रखना है, स्लो मीडियम पर रखना है, क्योंकि धीरे धीरे ये पकेगा तभी ये टेस्टी बनेगा और इसकी जो चाशनी है वो भी गाढ़ी होगी। तो इसे बराबर चलाते हुए पहले हम 5 से 6 मिनट तक पकाते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे। तो 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं पूरी चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें कितनी सारी चाशनी बन गई है। तो इस चाशनी को हमें पकाना है बराबर चलाते हुए, क्योंकि अभी ये बहुत पतली है, इसे हमें गाढ़ी बनानी है, चिपचिपी बनानी है। अभी ये बहुत पतली है तो इसे हम ध्यान से बराबर चलाते हुए पकाएंगे। आज को हमें तेज नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, चाशनी जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी और ये आम का हमने इसे कद्दूकस करके डाला है ये भी बहुत ज़्यादा कच्चा रह जाएगा। वैसे तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं कलाना है, लेकिन आज को हमें तेज़ नहीं रखना है, तो
इसी तरीके से इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। तो इसके अंदर बाद में हम अच्छे से फ्लेवर भी डालेंगे। आप बराबर वीडियो देखते रहिएगा। इसे हम 5 मिनट और पकाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, टोटल 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है। और आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं, इसकी चाशनी को इस तरीके से उंगली में लगाएंगे और इस तरीके से हम इसे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका एक तार टूट रहा है। तो ये चाशनी हमारी बन चुकी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि जो इसका रस होता है वो खाने में टेस्टी लगता है। तो हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालेंगे हम। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे हम 1 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। तब तक इसके लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, छोटे छोटे मैंने ले लिए हैं 3-4, और इसके अंदर इसे डाल देंगे। 8 से 10 हमने लौंग लिया है, इसे भी इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कूटेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। इसे हम कूट लेते हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है तो खाने में टेस्टी लगता है। तो मैंने इसे मोटा मोटा कूट लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम छुंदा में डाल देते हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच खड़ा जीरा। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये खड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में। हल्का सा इसे मसल देंगे, हाथ से इसे डाल देंगे। हमने लिया है 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हल्का सा तीखापन भी आ जाएगा। तो इसे भी डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं छुंदा हमारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से इसे हम गिरा करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल पतला नहीं है। इसकी चाशनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो जो आपको चाशनी दिख रही है, इसे हमें और नहीं गाढ़ा करना है और नहीं जलाना है, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आपने देखा ये 15 मिनट के अंदर झटपट बनकर तैयार हो जाती है और कोई झंझट नहीं करना पड़ता है, ना धूप में रखना, ना चाशनी बनाना। तो बहुत ही टेस्टी छुंदा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम बाउल में निकालते हैं। वाओ, बहुत ही टेस्टी छुंदा हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रोटी से, पराठे से, पूरी से खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारा बहुत ही टेस्टी आम का छुंदा बनकर तैयार हो गया है। तो ये आम का छुंदा हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख दें और पूरे साल इसका आनंद लें। तो आप भी इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका छुंदा कैसा बना।